मुझे नहीं लगता कि GST इनसे बेहतर कोई और पढ़ा सकता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं CA इंटर का पेपर नंबर 3 टैक्सेशन की फैकल्टीज़ के ऊपर। DT और IDT दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। पहले बात करेंगे GST की, देन बात करेंगे DT की। वीडियो का सीक्वेंस जिस टीचर से मैंने परचेस किया, पहले उनके बारे में डिटेल रिव्यू, देन जो मार्केट में अदर टीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, आखिर में मेरी प्रेफरेंस क्या होने वाली है वो भी बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बात की जाए अगर इनडायरेक्ट टैक्स की, जो मैंने परचेज़ किया था CA यशवंत मंगल सर से। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सर का वे ऑफ ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में उतर जाएगा और वो बहुत ज़्यादा डीप ले जाके समझाते हैं चीज़ों को। एंड मैंने उस टाइम पे भी जब फैकल्टीज़ का कंपैरिजन किया था तो मैंने सर को केवल इसी वजह से परचेज़ किया था कि सर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बारीकी से समझा रहे थे। बट नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा नोट्स। ये कैसा नेगेटिव पॉइंट है, चल मैं समझाता हूँ। डिफरेंस होता खुद के हाथ से बनाए गए नोट्स में, फिर वो चाहे टीचर ने बनवाया हो या तूने खुद ने बनाया, और किताब में लिखी हुई लैंग्वेज में। इसे पढ़ेगा तो मिनटों में पन्ने गायब होंगे, और वहीं इसे पढ़ेगा तो एक पन्ने को पढ़ने में 10 मिनट लग जाएगी। भाई मेरे पास तो हाइलाइटर है, मैं तो हाइलाइट करूँगा और अगली बार वही पैरा या लाइन पढ़ूँगा। चल तेरे लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता है होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर पे जाते हैं, एंड देन कस्टमर के पास जाते हैं। अब एक तरफ यही चीज़ लिखी है इंग्लिश की पूरी कथा में, और दूसरी तरफ फ्लो चार्ट्स में। इसे तो देख के 10 सेकंड में समझ जाएगा, और वहीं इसे पढ़ने में 1.5 से 2 मिनट लग जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा डीप बात बोली है, तू आज कितना ही जोर लगा ले, उस 1.5 दिन में अगर नहीं पढ़ पाया ना तो तेरा आज का पढ़ा हुआ भी बेकार चला जाएगा। और ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मेरी एग्ज़ाम रिव्यू की वीडियो जाके देख सकते हो। तो यार सर नोट्स नहीं बनवाते, नो डाउट अपने समरी नोट प्रोवाइड करते हैं, बट फिर वही बुक वाली बात आ गई। दूसरी चीज़ लेक्चर अपलोडिंग। 28 लेक्चर डालने के बाद एक महीना हो गया था लेक्चर अपलोड नहीं हुए थे, एंड मैंने इनकी टीम को 4 से 5 बार कॉल कर दिया था। वो हर बार यही कहते थे कि अपलोड हो रहे हैं बस, बाकी दूसरी बार जब मैंने फ़ोन किया था तब बोले थे कि अपलोड हो जाएंगे 1-2 दिन में, अभी चढ़ रहे हैं ड्राइव पे। भाई जो चढ़ता है वो दिखता भी तो है लेक्चर। तो यार ये चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगी, मतलब अगर किसी के पास टाइम की कमी है तो फंस सकता है। बाकी डेमो देख के आप डेफिनेटली सर को रेफ़र कर सकते हो, लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। बात की जाए अगर अदर फैकल्टीज़ की तो राजकुमार सर बहुत ज़्यादा फेमस टीचर हैं, बहुत नाम बना हुआ है, खुद GST के डिपार्टमेंट को ये GST पढ़ाते हैं, बट मेरे को पसंद नहीं आए। मैंने इनके 3 डेमो लेक्चर्स देखे थे, एंड आई फील कि कॉन्सेप्ट डेप्थ में नहीं जा रहा, पर हाँ इंट्रैक्शन स्किल कैडी है ये मानना पड़ेगा। बट तुम्हें टीचिंग से इम्प्रेस होना, इंट्रैक्शन स्किल से नहीं। तो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आए। बाकी आप डेमो देख के रेफ़र कर सकते हो, इनका भी लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। और यार हाई नेम और हाई फेम के चक्कर में मत जाओ, नहीं तो कुछ टीचर होते हैं, बोलना नहीं चाहता मैं, बस वीडियो जाके देख सकते हो। बात की जाए अगर विशाल भट्टर सर की, सिर्फ एक लाइन, मुझे नहीं लगता कि GST इनसे बेहतर कोई और पढ़ा सकता है। भाई तू तो पढ़ा भी नहीं इनसे, बात तो सुन ले पूरी। क्वालिटीज़ की बात करें तो कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में समझा रहे हैं और टाइम लगा के समझा रहे हैं, ताकि एक एवरेज स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए। दूसरा नोट्स, हर टॉपिक के नीचे तुम्हें एक चार्ट बनवा के देंगे, एंड वो चार्ट पढ़ो तुम्हारा टॉपिक रिवाइज। और ये चीज़ बहुत काम आती है रिविज़न में और उन आखिरी दिनों में भी। तीसरा राइटिंग प्रैक्टिस, लेक्चर के अंदर ही तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे कि प्रोविज़न को प्रेजेंट कैसे करना है, तुम्हें वो चीज़ समझ में आ जाएगी।
और ये चीज़ काफ़ी हेल्प देती है एग्ज़ाम टाइम पे भी, जब हम लिखते हैं या फिर मॉक टेस्ट देते टाइम पे भी, क्योंकि हमें प्रोविज़न को प्रेजेंट करना आ जाता है। कॉन्सेप्ट हर टीचर बता देता है, लेकिन उस प्रोविज़न को लिखना कैसे है, वो प्रेजेंट कैसे करना है, अगर ये भी आ जाए तो एग्ज़ाम में नंबर मिल जाते हैं। और एक खासियत और बता देता हूँ जो तुम्हें पता होनी चाहिए इनके बारे में, ये जो तुम चार्ट बुक और गोल चार्ट का सीन देख रहे हो ना, इस चीज़ की शुरुआत इसी भाई ने की थी IDT के लिए। शायद उस टाइम पे लोग पागल बोलते होंगे, लेकिन आज हर जगह मिलेगा मार्केट में। लेकिन एक कमेंट आई थी अजीत नाम है भाई का, कि विशाल भट्टल सर के लेक्चर समझ में नहीं आ रहे, कोई और फैकल्टी बता दो। तो भाई ये बात खास तेरे लिए, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ऑफेंड मत होना। फेब में मैंने इनके लेक्चर देखे थे, पर क्या है ये कार्टून, इनसे नहीं पढ़ूंगा मैं। और मुझे छोड़ के मेरे चारों दोस्तों ने इन्हीं से परचेज किए थे। एंड जिस टीचर को मैं कार्टून बता रहा था, आज उन्हीं से पढ़ रहा हूँ। नहीं यकीन तो स्क्रीनशॉट देख लो। गलती रियलाइज होती है लगने के बाद। रही बात किसी को पोर्टल सीखना, तो भाई आर्टिकलशिप अगर उस फील्ड में करेगा तो वहाँ सीख जाएगा, उसकी चिंता मत कर। बात करें मेरी प्रेफरेंस की, तो यार मेरे ओपिनियन में GST के लिए विशाल भट्टल सर बेस्ट है। और भाई तेरे लिए, अगर तुझे नहीं जम रहा और तू नोट्स की दिक्कत को हैंडल कर सकता है, तो मंगल सर से परचेस कर सकता है डेमो देखने के बाद। एंड DT के लिए भी मैं एक ऐसे टीचर के बारे में भी बताने वाला हूँ जिनका नाम आपने सुना ही नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था। तो बस GST के लिए इतना ही, लिंक मैंने सारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। DT की बात करने से पहले, अगर ग्रुप 2 की किसी भी फैकल्टी के लिए कन्फ्यूज़ हो, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेक कर सकते हो। और स्पेशली कोस्ट की वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो मेरी तरह तुम्हें भी स्वाद आ जाएगा। तो बात की जाए अगर डायरेक्ट टैक्स की, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे का ग्रुप खा जाता है। और ये खाली कहने की बातें हैं कि GST पढ़ लो पास हो जाओगे, भाई जब लगने होते हैं ना तो लग जाते हैं। अब टैक्स मैंने परचेज करी थी CA विजय साडा सर से, और यार दिल से रिस्पेक्टेड टीचर के लिए, बट उसे साइड में रख के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे। क्वालिटीज़ की बात की जाए तो पहले हिस्ट्री समझाते हैं, देन सेक्शन बताते हैं। दूसरा, हैंड रिटन नोट्स क्लास में खुद से बनवाते हैं। थर्ड, जो भी सर होमवर्क देते हैं क्लास में, उसे नेक्स्ट डे खुद सोल्व करवाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। फोर्थ एंड लास्ट, तुम्हें रोज़ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, बाकी रिवीजन भी अच्छी खासी हो जाती है। नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहला, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। क्लास में डबल मीनिंग की बातें कभी कभी ज़्यादा डीप हो जाती है। अब अगर कोई संस्कारी बच्चा है तो उसे लग सकता है पर क्या मास्टर है यार, क्या बात कर रहा है क्लास में। वहीं अगर कोई ज़्यादा संस्कारी बच्चा है, अब लेक्चर एंगेजिंग लग रहा है। बात की जाए अगर दूसरे पॉइंट की, तो यार यहाँ दिक्कत है, अगर तुम सर को रेफ़र कर रहे हो तो मॉड्यूल रेफ़र करना मत बोलना। और मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, तू कैसे बता देगा, तूने तो टेक्स्ट ढंग से पढ़ी भी नहीं, तेरी एग्ज़ाम रिव्यू की वीडियो देखी हमने, भाई आखिर में ही तो नहीं पढ़ी, स्टार्टिंग में क्लासेस तो मैंने भी ली थी, सारे क्वेश्चन तो सॉल्व मैंने भी किए थे, तो फिर हेड दे रहा टीचर को। ये उन टीचरों में से एक टीचर है जिनसे मैं CA बनने के बाद मिलना चाहता हूँ, तो यार हेड का कोई सीन नहीं है, बट यार जो फैक्ट है वो फैक्ट है, सर की किताब में सारे PYQ भरे हुए हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी ओल्ड भी हैं, बाकी मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन मिसिंग थे। तीसरा, डाउट का रिप्लाई मिलता है बट लेट मिलता है, मेरे को 3 से 4 दिन में रिप्लाई आता था, कभी कभी 5 भी हो जाते थे। ड्यूरेशन की बात करें तो 210 घंटे के अप्रोक्स है एक्चुअल, 70+ लेक्चर हैं 3 घंटे का एक। अब अपनी मैथ आप लगा सकते हो, बाकी सारे एस्पेक्ट मैंने आपके आगे रख दिए हैं, डेमो देखकर आप सर को रेफ़र कर सकते हो और लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। बात रही मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की, तो वो मैं आखिर में बताने वाला हूँ। बाकी फैकल्टीज़ की बात करने से पहले, अगर इतनी दूर
वीडियो में आ चुके हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बात की जाए अगर अदर फैकल्टीज़ की, तो पहले भनवर बोराना सर, जिन्हें बीबी सर के नाम से भी जाना जाता है, जो मैंने इनके डेमो लेक्चर्स देखे थे और जो मेरे दोस्त इनसे पढ़ चुके हैं, इन दोनों एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिस नाम के सब्जेक्ट को ये पढ़ाते हैं, उसे पढ़ाने की स्ट्रेटजी भी इनकी वैसी ही है, यानी डायरेक्ट टू द पॉइंट। कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट अच्छा समझाते हैं विद एग्जांपल, पर साथ ही साथ सर टू द पॉइंट भी रहते हैं। अब किसी के लिए चीज़ एडवांटेज हो सकती है और किसी के लिए डिसएडवांटेज हो सकती है। भाई जिसे डायरेक्ट पसंद है पढ़ना, उसके लिए एडवांटेज बन गई, जिसे नहीं पसंद उसके लिए लिमिटेशन बन गई। तुम्हें क्या पसंद है ये तुम पता लगा सकते हो, डेमो अवेलेबल होंगे, और इस पॉइंट को कंफर्म करने के लिए तुम ड्यूरेशन देख सकते हो, 55 से 60 लेक्चर आएंगे 2.5 घंटे के अप्रोक्स। तो जितनी मैथ मुझे आती है उसके अकॉर्डिंग 150 आवर्स के करीब बैठ गए। दूसरी चीज़ जो मुझे पता चली, सर होमवर्क थोड़ा कम देते हैं, बाकी टीचर अच्छे हैं, डेमो देख के आप इन्हें रेफ़र कर सकते हो। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैंने इनके डेमो देखे थे बट मैंने इन्हें रेफ़र नहीं किया था। बात की जाए विजेंद्र अग्रवाल सर की, तो लक्ष्मी नगर के पढ़ाने वाले हैं और मेरा खुद का एक दोस्त मई 24 के लिए क्लासेस ले रहा है इनसे, एंड वहाँ पे नाम चलता है इनका DT के लिए। तो यार लेक्चर एक बार ट्राई करना बनता है, डेमो आप इनके देख सकते हो, लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अब एक टीचर हैं जिनका नाम मैंने नहीं सुना था, शायद आपने भी ना सुना, अभी रिसेंटली मैंने इनके डेमो देखे 20 दिन पहले, एंड आई वाज शॉक्ड कि जो टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहा है, मैंने उनका नाम कहीं सुना ही नहीं था। टीचर का नाम है CA श्रीश व्यास सर, और 25 साल से पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स। टीचर का एक्सपीरियंस मैटर करता है, और 25 साल बहुत होते हैं। नाम शायद इसलिए नहीं है क्योंकि ये टीचर ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी आए हैं 1-2 साल पहले। बात की जाए इनके वे ऑफ टीचिंग की, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ये पूरा ओवरव्यू देते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक कवर होते हैं। ओवरव्यू के बाद ये हर एक टॉपिक को समझाते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट विद रीज़न समझाते हैं, और इस रीज़न के पीछे का लॉजिक भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसे करते हुए ये सारे टॉपिक्स को समझा देते हैं और चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि पूरे बिखरे हुए चैप्टर को एक जगह ला के समेट दिया गया हो, एंड ये चीज़ काफ़ी हेल्प देती है आखिर के टाइम पे। तो यार मेरे को इनका वे ऑफ टीचिंग काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैं लिंक्डइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने 2-3 जनों से बात करी जो इनसे पर्सनली पढ़ चुके हैं और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली। उसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख सकते हो, ताकि तुम डिसीजन सारे एस्पेक्ट को देख कर ले सको और इन सब टीचरों के बारे में जान कर ले सको। बाकी वे ऑफ टीचिंग के अलावा ये टीचर अपने नोट्स और मोटिवेशन के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो भैया इन चारों में से बेस्ट कौन है? यार चारों ही बेस्ट हैं, लेकिन बात करें तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की, तो मेरे ओपिनियन में या तो CA विजय सारडा सर या फिर CA शिरीष व्यास सर, इन दोनों में से डेमो देखकर किसी के भी लेक्चर परचेज कर सकते हो। बट इनके बारे में तुम्हें पता होगा तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड इनके लिए मैंने छोटी सी वीडियो बना दी है। अब भाई वीडियो क्यों बना दी? ताकि तेरा डिसीजन एक तरफा ना हो। लिंक स्क्रीन पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा, जाके वीडियो देख लो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं लो की वीडियो में।